नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं प्रेसेस के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज प्रेसेस, टाइप्स ऑफ प्रेसेस, फ्लाई और हैंड प्रेसेस, पावर प्रेसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेसेस। दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर प्रेसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इंडस्ट्रीज में उपयोग होता है और बहुत सारी इसकी लार्ज स्केल पे एप्लीकेशंस होती हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं फ्लाई एंड पावर प्रेसेस। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रेस, प्रेस क्या होता है? तो दोस्तों जो प्रेस है, प्रेस एक मशीन टूल है। प्रेस जो है मशीन टूल है, जिसका उपयोग हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप देने में वाई अप्लाइंग फोर्स या प्रेशर। किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी शेप देना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना है तो भी यूज प्रेसेस वाई अप्लाइंग फोर्स बल की सहायता से। प्रेस आर यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन। जहाँ पे हमारा कोई भी इंडस्ट्री में उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमारे जो प्रेस हैं वो उपयोग किए जाते हैं। प्रेसेस कई प्रकार के होते हैं, डिजाइन के आधार पर होते हैं, मैकेनिज्म के आधार पर होते हैं और पावर ऑफ सोर्सेस के आधार पर होते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ सोर्सेस के आधार पर बात करेंगे तो फ्लाई या हैंड प्रेस एंड पावर प्रेस, दो प्रकार के प्रेसेस आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें एंड जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे फ्लाई प्रेस। फ्लाई प्रेस क्या होता है? अब जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम है आपका फ्लाई प्रेस का। फ्लाई प्रेस में आपको जो प्रेस है ये हैंड ऑपरेटेड या मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस है। मींस जो फ्लाई प्रेस है इसको हम हैंड प्रेस के नाम से भी जानते हैं और यह सबसे सिंपलेस्ट टाइप का प्रेस होता है, जिसमें जो इसके पार्ट हैं बेड है, इसकी वाडी है, गाइड, रैम, कास्ट आयरन बॉल्स, हैंडल एंड डाई पंच। तो पंच जो होता है वो रैम से कनेक्टेड होता है एंड रैम मूव अप डाउन व्हेन वी टर्न टू द आई हैंडल्स विद द हेल्प ऑफ हैंड। हैंड की सहायता से जब हम इसको घुमाते हैं तो ये प्रेस जो हमारा पंच है ये अप डाउन रैम के साथ क्या होता है, मूव करता है। अब इससे क्या किया जाता है? तो द फ्लाई प्रेस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ प्रेस मशीन। ये जो फ्लाई प्रेस होता है या हैंड प्रेस होता है ये सबसे सिंपल प्रेस मशीन होती है, विच प्रेस इज ऑपरेटेड मैनुअली, जो कि हैंड ऑपरेटेड होती है। इसका उपयोग वर्किंग ऑपरेशन में कोई भी मेटल की पतली थिन सीट होती है जहाँ पे कम फोर्स रिक्वायर्ड होता है, उस जगह पे हम फ्लाई प्रेस या हैंड ऑपरेटेड प्रेस का उपयोग करते हैं। फ्लाई प्रेस का उपयोग किया जाता है जैसे पियर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना शीट मेटल पे, ब्लैंकिंग ऑपरेशन, बेंडिंग ऑपरेशन। यदि हमको बेंड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम इस डाई के ऊपर, टेबल के ऊपर रख के हैंडल से टर्न करके उसको बेंड कर सकते हैं, पियर्सिंग कर सकते हैं, ब्लैंकिंग कर सकते हैं। स्मॉल थिन मेटल्स की शीट में लार्ज नंबर या सिंगल होल को भी बनाया जाता है। तो दीज ऑपरेशंस वी परफॉर्म ऑन फ्लाई प्रेस, मीन्स इस प्रेस के ऊपर इस तरह के कार्य किए जाते हैं। ड्यूरिंग वर्किंग, वर्किंग के दौरान क्या होता है, जो रैम होती है रैम मूव करती है अप डाउन, और जो रैम का एंड होता है उससे अटैच क्या होता है, पंच। पंच इज ए कटिंग टूल्स। तो ये जब अप डाउन मूव करेगी, जब हम इस हैंडल के लिए क्या करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये जो हमारा रैम है ये ऊपर या नीचे की ओर क्या होगी, लिफ्ट करेगी, मूव करती है, जिसके कारण जो हमारा ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर बेड पर रखा होता है उसमें हमको उसको बेंड करना है, इस तरह से सीधे से इस तरह से मोड़ना है,
या इसमें हमको थिन शीट में होल करना है, तो ये काम हम इस प्रेस की सहायता से आसानी से कर लेते हैं। तो ये काम होता है हमारे किसका, फ्लाई प्रेस या हैंड प्रेस का। अब इसके बाद जैसे कि आप देखते हो टीन की सीट जो आपके घर वगैरह पे या टेरेस पे हमारी जो टीन की सीट होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो खांचा बना होता है सीट में, वो हमारी एक प्लेन ना होके उसमें इस तरह की घारी बनी होती है जिससे हमारा पानी लाइन बाई लाइन बह के बाहर निकलता है। तो ये जो हमारी बनाई जाती है ये किससे बनाई जाती है, प्रेस वर्किंग से बनाई जाती है। ठीक। नाउ पावर प्रेस, जो पावर प्रेस होता है ये मैकेनिकल ऑपरेटेड या हाइड्रोलिक ऑपरेटेड प्रेस होता है। हाइड्रोलिक की जहां पे बात आती है तो वहां पे हम वर्किंग फ्लूइड का यूज करते हैं इसको वर्किंग के लिए या ऑपरेट करने के लिए। तो जो पावर प्रेस है, पावर प्रेस मशीन में क्या होता है, इससे हम कटिंग भी कर सकते हैं, बेंडिंग भी कर सकते हैं, कोई भी शेप में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हैं, और मेटल सीट पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो हम सारे काम इससे पावर प्रेस से भी करते हैं। मैकेनिकल जो प्रेस होता है, मैकेनिकल प्रेस में जैसे कि आपने सेपर मशीन का नाम सुना होगा, तो सेपर मशीन में जो रिसिप्रोकेटिंग मोशंस हम प्राप्त करते हैं वो हम क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म से करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी रैम है, रैम क्या करेगी, रिसिप्रोकेट करेगी, लेकिन जो मोटर है, मोटर तो रोटेट करती है। तो इन मैकेनिकल पावर प्रेस द रोटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज कन्वर्टेड इनटू रिसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द रैम बाय क्रैंक मैकेनिज्म। किसकी सहायता से, क्रैंक मैकेनिज्म की सहायता से या क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म की सहायता से। और जो पावर प्रेस होता है, मशीन यूज्ड फॉर कटिंग, शेपिंग, ब्लाइंडिंग, प्रेसिंग एनी मेटल इनटू रिक्वायर्ड शेप। किसी भी शेप में मेटल्स को डिफॉर्म करना है, कोई भी शेप देना है, तो उसके लिए हम इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि आपका वर्क टेबल, मशीन का जो डायग्राम है इसमें आपकी वर्क टेबल दी हुई है। वर्क टेबल पे सबसे पहले आपको जिस ऑब्जेक्ट को कोई भी शेप देना है उसको आप रखेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इसमें हमारी फ्लाई व्हील है, क्लच भी होता है, ब्रेक भी होता है, ये सारे मैकेनिज्म इसके अंदर रहते हैं। इसमें जो रैम होता है, रैम में हमारा क्या होता है, टूल अटैच होता है। तो इसमें क्या होता है, मोटर जब रोटेट करती है तो इसके रोटरी मोशन को हम कन्वर्ट सबसे पहले करेंगे किसमें, रिसिप्रोकेटिंग मोशन में। रिसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण ही जो हमारी इस मशीन की रैम होती है वो डाउन जाएगी या अप जाएगी। तो इसमें हमारे जो टूल हैं, टूल को हम डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टूल का उपयोग कर सकते हैं, और इन अलग अलग टूल का उपयोग करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में मैन्युफैक्चर करते हैं या बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रेस के अलावा हाइड्रोलिक जो प्रेस होती है उसमें क्या होता है, पिस्टन एंड सिलेंडर यूज होता है। पिस्टन एंड सिलेंडर यूज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, वर्किंग फ्लूड होता है। जब वर्किंग फ्लूड हमारा क्या होता है, प्रेशर से जाता है तो इसको हमारा क्या करता है, रैम के लिए अप डाउन लिफ्ट करता है ड्यूरिंग वर्किंग या ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन या वर्किंग के दौरान। तो इस तरह से जो हाइड्रोलिक प्रेस भी बोल सकते हैं या इसको हम पावर प्रेस बोलते हैं, इससे कोई भी काम करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसमें मैन्युअली ऑपरेटेड नहीं करना पड़ता है, और इसमें आपके जो फोर्स है कम ज़्यादा फोर्स वाली कोई बात नहीं होती है क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होता है। तो इसमें आपको तो सिर्फ स्टार्ट करना है मोटर्स के लिए, और इसके बाद आपको जैसे स्टार्ट करेंगे आपकी रैम अप डाउन कितनी लेना है इसको हम कंट्रोल करते हैं अपने क्लच से और ब्रेक की सहायता से। और इसके बाद हम इससे पंचिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, पियर्सिंग कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं, शेपिंग कर सकते हैं, ये सभी प्रकार के ऑपरेशंस हम इस पावर प्रेस पे परफॉर्म करते हैं। ठीक। और जो ऑपरेशंस हैं ये सारे ऑपरेशंस हमारे सीट मेटल ऑपरेशंस के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि सीट मेटल की जहाँ पे बात होती है इसका मतलब है यहाँ पे हमारी कोई थिन मेटल्स की सीट होगी, मेटल्स की प्लेट होगी,
जिसके ऊपर हम किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से या काम करके उसको रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। तो इन जगहों पे हमारे जो प्रेसेस होते हैं इनका काफ़ी रोल होता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों एप्लीकेशंस भी हो गई इसकी, एडवांटेजेस भी हो गई। तो दोस्तों इसके बाद यदि आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर मैसेज दें, जिसके बाद मैं आपके लिए मैसेज का जो जवाब है, आपका जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।